paper from agro residue. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायपुर स्थित राम मंदिर पहुंचे सीएम राय। सीएम ने चलाया सफाई अभियान। पीएम के आह्वान पर किया जा रहे हैं मंदिरों में साफ सफाई। रायपुर में प्रदेश कुनबी समाज महासंगठन का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम ने की शिरकत। छत्तीसगढ़ के वार्षिक कैलेंडर का किया विमोचन। सीहोर में कुबेश्वर धाम जाने वाली मार्ग का भूमि पूजन। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने किया भूमि पूजन। 2,63,00,000 रुपए की लागत से बनेगी सड़क। वहीं रायपुर में डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम की पहल। एक्सप्रेसवे पर स्पाइक स्पीड ब्रेकर लगाने की योजना। विपरीत दिशा में चलने पर गाड़ी होगी पंचर। और कोंडागांव में धान के अवैध परिवहन पर प्रशासन हुआ सख्त। अवैध परिवहन करते एक ट्रक और एक पिकअप को किया जब्त। अवैध परिवहन पर पुलिस की कड़ी निगरानी। खबर उज्जैन से है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं सबसे पहले सीएम ने कोठी रोड पर आयोजित राहगिरी कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। इसके बाद वे अंकपात क्षेत्र में स्थित प्राचीन श्री राम जनार्दन मंदिर में पहुंचे और हाथों में झाड़ू लेकर के श्रमदान अभियान में शामिल होकर मंदिर में साफ सफाई की। वहीं मुख्यमंत्री ने कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल हॉल में अधिकारियों की बैठक लेकर क्षिप्रा शुद्धिकरण और सिंहस्थ के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद उज्जैन से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की लागत से आगरा रोड पर बनने वाले रेलवे के जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन उन्होंने किया। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर पहुंचे। मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट करने और स्वच्छता के प्रति प्रदेश के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने स्वयं ही झाड़ू हाथों में लेकर के यह संदेश देने का प्रयास किया कि स्वच्छता के जरिए बीमारियों से बचा जा सकता है। राम मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या के साथ देश के तमाम मठ मंदिरों की साफ सफाई करने का आह्वान देश के लोगों से किया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की ओर से अधिक फैलाने की से बात कही और 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उद्घाटन से पहले सभी मठ मंदिरों को स्वच्छ करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा भी दिए जा चुके हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य शुरू हो रहा है और सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया है कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक सभी देशवासी अपने आसपास के धर्म स्थलों मंदिर मठ में सफाई का काम करें। और आज हम लोग यहाँ भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में रायपुर राम मंदिर में हम सभी लोग यहाँ पर सफाई का काम किए हैं। हमारे मंत्रीगण भी हैं, आदरणीय ब्रिजमोहन जी, आदरणीय राम विचार नेताम जी, हमारे विधायकगण हैं, टंकराम वर्मा मंत्री जी हैं, सभी लोग हम लोग। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां राज्य अतिथि गृह पहुना में प्रदेश कुनबी समाज महासंगठन छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल के आग्रह पर प्रदेश कुनबी समाज महासंगठन छत्तीसगढ़ के वार्षिक कैलेंडर 2024 का विमोचन किया। उन्होंने कुनबी समाज के प्रतिनिधियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और समाज के उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही प्रदेश कुनबी समाज महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत मुनेश्वर, प्रदेश सचिव अमित डोए, प्रदेश महिला अध्यक्ष सारिका गेंदेकर, प्रदेश महासचिव पंकज ब्राह्मणकर, हेमलता शिवणकर और नेना गाडवे सहित निकेश तितरमारे प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिले के पथरिया में छत्तीसगढ़ राज्य लोधी समाज के नवनिर्वाचित सामाजिक पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का लोधी समाज के अध्यक्ष घनश्याम वर्मा सहित समाज के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर के अभिनंदन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संस्कृति और पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पंडरिया विधायक भावना वोहरा एवं मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, पूर्व सांसद लखनलाल साहू सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अगली खबर सीहोर से है, जहां पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और विधायक सुदेश राय ने सेकड़ा खेड़ी स्थित शहीद स्थल पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं आपको बता दें कि 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति से पहले ही सीहोर में क्रांति की ज्वाला सुलग गई थी। वहीं जब सीहोर की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसे बलपूर्वक कुचलने के आदेश दिए। तभी से सीहोर में आज के दिन सभी शहीद स्थली पर जाते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं शहीद स्थल पर मंत्री करण सिंह वर्मा और सीहोर के विधायक सुदेश राय शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस दौरान मंत्री करण सिंह वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 1857 में लोगों ने कुर्बानी दी थी, महावीर जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े और अपना सीहोर उन्होंने आजाद करा लिया और फिर अंग्रेज के बहुत बड़ी सेना लेके आए और उनको गोली से भून दिया गया। इसे मैं यहाँ माथा टेकने उन शहीदों को आया था। काफी कोशिश रही है, बहुत बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना जी। मेरी आत्मा को अंदाजा लगा लूँ कि मैं ऐसे लोगों से जो राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने जान की आहुति दे दी और इस गांव का नाम वो शहर थे इसीलिए शहर पड़ा है। अपना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये पूरा हुआ और पूरा करने में ऐसे महापुरुष व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनसे लोग लोकप्रियता है मन उनसे श्रद्धा भी रखते, उन्होंने ऐसा राष्ट्र में काम किया हिंदुस्तान में कि शायद आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ था न कभी। वहीं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बिहार क्षेत्र के लोग जलप्रपात और नदियों में जाकर परंपरा के अनुसार स्नान कर रहे हैं। इसी के साथ सहपरिवार पिकनिक भी मना रहे हैं और युवाओं की टीम भी जलप्रपात और नदियों में स्नान करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं क्षेत्र के सभी जलप्रपात और नदियों में भारी संख्या में जनता की भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ऐसी परंपरा है कि नदी और जलप्रपात में जाकर के लोग स्नान करते हैं, साथ ही सहपरिवार पिकनिक भी मनाते हैं। ये परंपरा आज भी यहां पर यथावत देखी जा रही है। क्षेत्रवासियों ने जो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हुए देखे जा रहे हैं, साथ ही पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं, जलप्रपात पर मकर संक्रांति पर विशेष स्नान और दान पुण्य का महत्व रहता है, उसी के मद्देनजर यहां पर मकर संक्रांति पर स्नान करते हुए आपको युवा दिखाई दे रहे हैं। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बैहर क्षेत्र के तमाम जलप्रपात नदियों में भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। परंपरा अनुसार यहां पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहां पर नदी नाले जलप्रपात में जाकर लोग स्नान कर रहे हैं, सपरिवार पिकनिक मना रहे हैं। आसपास के जितने भी जलप्रपात नदी हैं सब पे आज भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। लोग सपरिवार आकर यहां पर पिकनिक मना रहे हैं, सपरिवार स्नान कर रहे हैं। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन राजेंद्र के साथ देवदत्त दानेसर बैहर। केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक लाभ पहुंचाने और जानकारी देने का उद्देश्य है केंद्र सरकार का। शिविर में हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड से इलाज, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण, बिहान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान सम्मान निधि योजना, जल जीवन मिशन योजना, कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी गई है, उज्ज्वला योजना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता खुलवाने, स्वास्थ्य योजना के लाभ दिलाने से जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें आभार जताया है।
पूरा देश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्साहित है, तो वहीं नगर परिषद ओंकारेश्वर ने भी संत समाज, जनप्रतिनिधि और नागरिकों की बैठक की है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बता दें कि बैठक में ओंकारेश्वर को दुल्हन की तरह सजाने पर विचार मंथन कर सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष पार्षद लगभग नदारद पाए गए और शोभायात्रा को लेकर के जनसहयोग से तैयारी को लेकर संतों ने इसमें सुझाव दिए। कहा कि ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में भी उत्सव मनाया जाएगा, साथ ही कहा कि 22 जनवरी को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। सीहोर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जिला मुख्यालय के समीप कुबेरेश्वर धाम से चितवालिया तक 2.5 किलोमीटर मार्ग का भूमि पूजन किया है। बता दें कि यह मार्ग 2,63,00,000 की लागत से बनेगा। इस अवसर पर राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा कि कुबेरेश्वर धाम से चितावलिया तक बनने वाले इस मार्ग का जल्द ही निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। मार्ग के बन जाने से मंदिर तक जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा रहेगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है, सभी आवश्यक निर्माण कार्यों और योजनाओं को लागू किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि विकसित भारत की कल्पना को साकार करने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में विधायक सुदेश रॉय ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, विकास के सभी कार्य तेजी से किए जाएंगे। इस अवसर पर भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा, विधायक सुदेश राय, नगर पालिका के अध्यक्ष प्रिंस राठौड़ सहित अनेक लोग उपस्थित थे। मुरवारा के कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर अभि प्रसाद कैलेंडर का विमोचन किया गया, जिसमें समस्त स्टाफ मौजूद थे। वहीं संयुक्त मोर्चा के कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम में कलेक्टर अभि प्रसाद ने कहा कि अधिकारी, कर्मचारी, सरकार और जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो शासन के महत्वपूर्ण विकास और जनहित की योजनाओं को जमीन पर क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समन्वय के साथ कार्य करने से योजनाएं आसानी से धरातल पर उतरती हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच ऐसे आयोजन से एक दूसरे को समझने और कार्य करने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने में आसानी होती है। कटनी में इस प्रकार के कार्यक्रम और समन्वय होना निश्चित रूप से खुशी की बात है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन से किया गया। राजधानी रायपुर के यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और रायपुर नगर निगम द्वारा राजधानी के सभी एक्सप्रेसवे में स्पाइक स्पीड ब्रेकर लगाने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि अब तक राजधानी रायपुर के 2 एक्सप्रेसवे फाफाडी और तेली बांधा एक्सप्रेसवे में स्पाइक स्पीड ब्रेकर लगाए जा चुके हैं। बता दें कि स्पाइक स्पीड ब्रेकर अन्य स्पीड ब्रेकर से अलग होते हैं। इसमें जो व्यक्ति सड़क मार्ग के विपरीत में आता है तो उसकी गाड़ी पंचर होने की संभावना बढ़ जाती है। स्पाइक स्पीड ब्रेकर से रॉन्ग साइड जाने वाले लोगों की वजह से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए एक नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और रायपुर नगर निगम ने संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक नया मॉडल जो है रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से लाया जा रहा है, जिसमें 2 एक्सप्रेसवे फाफड़ी और तेलीबांधा एक्सप्रेसवे में स्पाइक स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे, जिसमें अगर विपरीत दिशा से कोई वाहन गुजरता है तो उसकी गाड़ी ऑटोमेटिक पंचर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसा सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए किया जाएगा रायपुर नगर निगम का यह प्रयास, और साथ ही रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का यह प्रयास रायपुर के 2 नेशनल हाईवे जहां पर एक्सप्रेसवे फाफड़ी और तेलीबांधा एक्सप्रेसवे पर यह किया जाएगा, स्पाइक स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे, जिससे कि सड़क के विपरीत दिशा में अगर वाहन आता है तो उसकी गाड़ी पंचर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और इससे सड़क हादसों पर लगाम लगाया जा सकेगा। बता दें कि स्पाइक स्पीड ब्रेकर एक इस तरह का ब्रेकर होता है कि अगर रॉन्ग साइड से कोई व्हीकल या वाहन गुजरता है तो उसकी गाड़ी पंचर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। द्वारा रायपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी द्वारा टायर किलर लगाए जाने की जानकारी मिली है, तो अभी प्रमुखता जो है ऐसे जगह जहां पर रॉन्ग साइड बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं
और उसके चलते गंभीर हादसा होने की जहां पे संभावना है, खासकर एक्सप्रेस वे में जो शहर से जो कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे लगाया गया है। दो जगह से जानकारी मिल गई है। इसमें जो अपने साइड से जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो रॉन्ग साइड जाना जाएगा तो उसका वो टायर उसके इस प्रकार से इसमें फंक्शन काम करता है कि वो गाड़ी को पंचर कर देता है। ये एक्सप्रेस वे में लगाने के मतलब हमसे ऐसी जानकारी मिली है कि एक्सप्रेस वे में लगा है, फापाड़ी एक्सप्रेस वे में और शायद तेलीबंद एक्सप्रेस वे में, ऐसी जानकारी मिली है। वहीं अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम भक्तों और श्रद्धालुओं को आमंत्रण देना शुरू हो गया है। देश भर में शहरी और ग्रामीण इलाकों में अयोध्या से अक्षत और आमंत्रण पत्रक को देने हिंदू कार्यकर्ता घर घर जाकर रामलला के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं। इसके साथ ही दिव्य भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शंखनाद अयोध्या से पूरे देश भर में हो गया है। इसी तरह कोंडागांव जिले के फरस गांव ब्लॉक में भी राम भक्त और हिंदूजन सुबह शाम गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए घर घर जाकर आमंत्रण पत्रक दे रहे हैं और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही कलश भी घर घर घुमाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी हिंदू भाइयों को आग्रह किया जा रहा है कि 22 जनवरी को दीपावली की तरह अपने अपने घरों को सजाएं, घरों में दीप जलाएं और आतिशबाजी करते हुए इस पर्व को मनाने की अपील की जा रही है। साथ ही नगर के सभी मंदिरों में दीप जलाकर सजाने की तैयारी भी चल रही है। फरसगांव नगर में 22 जनवरी के आयोजन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं लोगों का भी सहयोग इसमें लिया जा रहा है ताकि आयोजन को भव्य और दिव्य रूप दिया जा सके। कर रहे हैं जब हमारे श्री रामलला जी अयोध्या में विराजित होंगे तो हम लोग सभी अपने नगर को भगवे रंग से सजाएंगे और उस दिन हम लोग रंगोली वंगोली निकाल के दीपक दीपक जला के घर को सजाएंगे और मिठाइयां बना के सबको खिलाएंगे, इस तरीके से मनाने का है। और नगर में शोभा यात्रा भी निकलेगी जिसमें झांकी में श्री रामलला जी वगैरह सब रहेंगे और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि 22 तारीख के दिन में सभी नगरवासी आके उस प्रोग्राम को कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, सभी के सम्मिलित हो या सभी। जब से अयोध्या जी से अक्षत और पत्रक आया है हम लोग सुबह 6 बजे उठ के पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं और घर घर जगाकर अक्षत और पत्रक देकर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप 22 तारीख को दिवाली की तरह मनाइए और घरों में दीपक जलाइए, कम से कम 11 दीपक घर के आसपास स्वच्छता रखिए और जिनके पास क्षमता हो वो सभी मंदिरों के लिए भी सहयोग करें, ये हम आग्रह कर रहे हैं। नगर में बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही है, सभी मंदिरों को लाइटिंग किया जा रहा है, शीतला मंदिर, राम जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर, सभी को लाइटिंग किया जा रहा है। वह समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्यक्रम का लाभ वास्तविक किसानों को प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत के नेतृत्व में धान के अवैध परिवहन पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस कड़ी में शनिवार को कोंडागांव जिले में धान का अवैध परिवहन करते हुए 2 वाहनों को पकड़ा गया। धान के अवैध परिवहन को रोकने की कार्रवाई में माकड़ी के तहसीलदार मनोज रावटे ने 24 क्विंटल धान से भरी एक पिकअप को शनिवार को सुबह माकड़ी तहसील के हीरापुर सिवनी मुख्य मार्ग से पकड़ा। वहीं कोंडागांव अनुविभागीय दंडाधिकारी निकिता मरकाम ने देर रात को 170 क्विंटल धान से भरी एक ट्रक को डोंगरी गुड़ा उमरकोट मुख्य मार्ग से पकड़ा। इस मामले में 60 कट्टों में भरे 24 क्विंटल धान के साथ पिकअप को अनंतपुर थाना और 400 कट्टे में भरे 170 क्विंटल धान सहित एक ट्रक को कोंडागांव थाना के सुपुर्द किया गया है। कोंडागांव जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी की तरफ से शनिवार को मर्दापाल क्षेत्र के अशैक्षणिक संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया गया। इसके तहत उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संबलपुर में संस्था के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहे प्रभारी प्राचार्य अर्पिता श्रीवास्तव पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए। संस्था में विज्ञान प्रयोगशाला के रखरखाव और प्रायोगिक कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए विज्ञान शिक्षकों को सुझाव भी दिए गए। विशेष तौर पर रसायन विषय का
कक्षा में अध्यापन कार्य संपादित करवाकर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं को स्पष्ट करवाया गया। इसी के साथ बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए विशेष ध्यान देने की बात विद्यार्थियों से कही गई। कबीरधाम कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आज जिले के वनांचल सहित मिरानी प्रांत ग्रामों में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपार्जन केंद्र वार पंजीकृत किसानों, गिरदावरी के अनुसार धान का रकबा, धान बेच चुके किसानों और ऋण वसूली सहित धान के उठाव की विस्तार से जानकारी ली। कलेक्टर महोबे ने कवर्धा, बोडला और मंडरिया विकासखंड के रिंगा खार खुर्द और तरे गांव जंगल, कोंदवा गोडान, सराई सेठ सहित अन्य धान खरीदी केंद्रों का भी औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निरीक्षण करते हुए कहा कि किसी भी पंजीकृत किसानों को धान बेचने में कोई भी अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। विकास विश्वकर्मा ने चोरी का मामला गांधीनगर आकर के दर्ज करवाया। प्रार्थी का बनारस रोड में चठीरमा चौक के पास मोबाइल दुकान है। घटना की सूचना पीड़ित को सुबह मिली। फिलहाल चोरी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त पर प्रभावी नियंत्रण करने और नशे के अवैध कार्यों में लिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा के निर्देशन में सभी थाना चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाकर नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा नशे के अवैध कार्यों में लिप्त संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपसे रंजिश को राजनीतिक मोड़ देकर सरपंच पति को बदनाम करने की कोशिश करने वाले के खिलाफ पंखाजोर थाने में लिखित शिकायत दी गई है। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने पहले कोयली बेड़ा ब्लॉक के यशवंत नगर पीवी 59 में मनरेगा कार्य में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद भूतपूर्व सरपंच पति को सजा हुई थी, जिसके 3 महीने बाद आरोपी को जमानत मिली, जिससे कि नाराज होकर वर्तमान सरपंच पति राकेश मधु के ऊपर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जानकारी देते हुए सरपंच पति राकेश मधु ने कहा कि बीते कल गांव के युवाओं के आपसी विवाद को सुलझाने में लगा हुआ था, जिसमें बीच बचाव करते हुए एक वीडियो भूतपूर्व सरपंच ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैला करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी लिखित जानकारी पंखाजोर थाने में करवाने के लिए मैं आया हूं। मुझे डर बना हुआ है कि भ्रष्टाचार उजागर करने पर मेरे पीछे भूतपूर्व सरपंच हाथ धोकर षड्यंत्र कर फंसाने की जी तोड़ मुझे कोशिश कर रहे हैं। कल बीते शाम को एक लड़का ऐसे ही पंचायत का हूं मैं सरपंच के लिए भी, तो एक लड़का गाली गलौज किया था सरपंच के नाम से, तो मैंने उससे जाके बिल्डिंग की दुकान में पूछने गया कि भाई तुम झगड़ा वगड़ा क्यों किए, क्यों चले गए, मेरे को गाली गली क्यों दिए, तो बोलते हैं हम गाली देंगे तुम क्या कर लोगे, ये सब बोलते हैं। मेरे साथ में जो दो लड़के थे उनके साथ थोड़ा धक्का मुक्की हुआ है और मैं बीच बचाव कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है कि मैं बीच बचाव ही कर रहा हूँ, लेकिन इस मामले को तीनबंधु विश्वास 59 नंबर के जो पिछले कार्यकाल में पंचायतों में बहुत सारे घोटाला किए थे, उनका घोटाले का उजागर मैं खुद किया था, इसी वजह से वो जेल गए, उसका आपसी रंजिश की वजह से मेरा जो विकासखंड माकड़ी अंतर्गत देवगांव नयापारा में संभाग स्तरीय प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे बस्तर संभाग से 30 कबड्डी दल शामिल हुए। 11 जनवरी से शुरू हुए प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का 13 जनवरी को कोंडा गांव विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी की मुख्य अतिथि में समापन किया गया। समापन के अवसर पर शामिल मुख्य अतिथि विधायक लता उसेंडी के हाथों विजेता दल VS गारे को 15,000 रूपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं उपविजेता दल देवगांव को नकद 8,000 रूपये, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले यंग स्टार बेलगांव को नकद 4,000 रूपये और देवरबाल को चतुर्थ स्थान प्राप्त करने पर 2,000 रूपये का नकद पुरस्कार दिया गया। वही निहार प्रोडक्शन द्वारा आयोजित डांस कॉम्पिटिशन और फैशन शो में बच्चों और बड़ों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। VIP रोड के होटल
वेलकम में आयोजित हुए इस प्रतियोगिता और फैशन शो में छोटे बच्चों ने शानदार नृत्य कर, गीत गाकर, इंस्ट्रूमेंट बजाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले वर्ष की मिस छत्तीसगढ़ का खिताब जीतने वाली सेलिब्रिटी रितिका ने मॉडलिंग के टिप्स दिए, जिससे और भी बेहतर तरीके से प्रतिभा दिखाई जा सके। कार्यक्रम का आयोजक नेहा पटेल, हरपाल सिंह के साथ मिस एशिया सोनम श्रीवास्तव और मिस भारत गार्गी सोनवानी समेत जेसीआई के सदस्यों ने बच्चों ने और आए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। डांस प्रतियोगिता दो चरणों में संपन्न हुई। बिल्कुल, हमारी पूरी टीम जेसीआई रायपुर स्टार से, मैं पास्ट प्रेसिडेंट नेशनल और जोन में ऑफिसर, साथ में हमारे प्रेसिडेंट जो पीयूष जी हमारे साथ में हैं, निहार प्रोडक्शन के साथ में हम हैं। जेसीआई जो संस्था है वो हमेशा से यूथ के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और यूथ जो है वो हमारा जो यंग चिल्ड्रन है, यहाँ से जैसा उन्होंने शुरुआत करी है एक टैलेंट हंट के साथ में, कि आज उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कल को वो पब्लिक स्पीकिंग में आएंगे, कल को वो देश बदलने के एक बोर्ड में आएंगे, तो यहाँ से जो आज शुरुआत हुई है, डेफिनेटली इस तरह के प्रोग्राम में जेसीआर रायपुर स्टार की पूरी टीम हमेशा निहार प्रोडक्शन के साथ में। मेरी कंपनी का नाम है निहार प्रोडक्शन, जिससे मैं एक छोटा सा शो करवा रही हूँ, किड्स शो, और जिसमें हमारे जीके स्टार मेंबर्स जैसे 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 हमारी नेहा मैम है, ये बड़े बड़े पद पर हमें ये अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे, और हम इस शो में ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाए हैं, जिससे कॉम्पिटिशन हुआ है, और इस शो में ना हमको पता चला कि हाँ बच्चे भी मतलब एक्साइटेड होते हैं किसी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो बस और सब आप सभी की मदद से हमारा शो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है, तो सभी को धन्यवाद। क्या क्या कैटेगरीज थी, क्या क्या इवेंट थे? हमारे दो कैटेगरीज थी, 5 साल से 10 साल के बच्चे थे और 11 से 17 साल के बच्चे थे, और इसमें हमने 2 राउंड रखे थे, एक होता चैलेंज राउंड और एक रनवे शो, और सारे बच्चों को हमारी तरफ से गिफ्ट और सर्टिफिकेट है, और जो विनर है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।